हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपको मिक्सर ग्राइंडर का एक ऐसी फॉल्ट के बारे में बताऊंगा, जो मिक्सर चल रही है लेकिन कुछ ग्राइंड नहीं कर रही है, कुछ पीस नहीं रही है, इसकी जार नहीं घूम रही है, केवल मिक्सर चल रही है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल में अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने दिख रही है मिक्सर ग्राइंडर, ये वीडियोकॉन की युवा मॉडल ग्राइंडर है, मिक्सर है। इसका फॉल्ट यह है कि ये मिक्सर चल रही है लेकिन इसका जार जो अंदर के ब्लेड दिख रही है आपसे, ये ब्लेड घूम नहीं रही है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं सप्लाई के साथ जोड़ दिया हूँ, मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ इसका, और मैं मिक्सर का स्विच ऑन कर रहा हूँ। ज़रा देखिएगा ब्लेड के ऊपर ध्यान से आप। एक बार और चला रहा हूँ। तो दोस्तों, मिक्सर तो घूम रही है लेकिन इसका ब्लेड नहीं घूम रही है। इसको ओपन करके हम देखते हैं कि इसमें हुई क्या है। तो दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों इस पर, इसकी जो भी फॉल्ट है ये ब्लेड न घूमने की, तो ये होती है कि ये जो नीचे की कपलर है इसमें, जॉर में नीचे कपलर जो दिख रही है आपको, ये इस कपलर के साथ अटैच नहीं होने के कारण ये घूमती नहीं है। तो इसका कारण ये दोस्तों कि देखिए, ये इस कपलर की ऊपर वाली हिस्सा बिल्कुल घिस गई है। ये जो ऊपर वाली हिस्सा होती है, नुकीली होती है और ऊपर साइड होते हैं इससे, ये बिल्कुल घिस गई है। और इसके घिसने के कारण ये जार के अंदर का भी है, कपलर का हिस्सा ऊपर वाला, ये भी घिस गई है। तो दोस्तों ये दोनों आपस में टच नहीं कर रही है, इसीलिए ये ब्लेड को घुमा नहीं रही है दोस्तों। दोस्तों ब्लेड न घूमने का एक्चुअल में दो कारण होते हैं। पहली कारण ये है कि जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि दोनों ही हिस्सों को घिस जाना, इस कपलर को भी और इस कपलर को भी। और दूसरी कारण ये होता है दोस्तों, अगर दोनों कपलर घिसे ना हो परंतु आपस में जाकर टच ना करें, ये भी एक कारण होता है इसको ना घूमने का। अगर ये सही भी रहे और आपस में बैठे ना, टच ना करें, तो ये घूमेगा नहीं। तो दोस्तों इसमें ये कारण है कि ये घिस गया है, आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसको दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले खोलना पड़ता है दोस्तों। मिक्सर वाले कपलर के अंदर एक स्क्रू लगी रहती है जो आपको दिखाई दे रही है, जो ऐसे इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर से ये नहीं खुलती है, इस टाइप के स्क्रू ड्राइवर से या प्लस टाइप का स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलती है। इसके लिए दूसरी स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कट वाली स्क्रू ड्राइवर चाहिए इसके लिए, जो बीच में कटिंग हो इस स्क्रू ड्राइवर से, क्योंकि ऐसे ही निशान बने रहते हैं स्क्रू में भी, नट में भी। तो ये जाकर कटिंग का जो है नट उसमें सेट कर जाता है ऐसे। और कपलर को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज नहीं खुलता है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज ही खुलेगा, माने उल्टा खुलता है ये और नट की अपेक्षा। अब ये खुल जाने के बाद से इस कपलर को ऊपर की तरफ पुश कर देंगे, आसानी के साथ निकल जाएगी। देखिए दोस्तों ये निकल गई। इसके नट को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नट जो लगी हुई, नट में कटिंग होते हैं और ये कटिंग इस स्क्रू ड्राइवर के ठीक सेंटर में जाकर बैठ कर ऐसे, और इसको ऐसे खोल देती है। इसको अलग रख रहा हूँ, ये तो खुल गई। अब इस जार के कपलर को खोलना है दोस्तों। तो ये जार के कपलर दो प्रकार से खोल सकते हैं आप इसको। पहली बात की ये कि इसमें आप ये ब्लेड कपड़े के सहारे इसको पकड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत तेज होता है, धारेदार होता है, आपका उंगली कट सकता है ऐसे पकड़ने में। इसीलिए आप ये कपड़े के सहारे से इसको ऐसे कपड़े से पकड़ लेंगे। इसको आप क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे पूरी ताकत के साथ, ऐसे उंगली से पकड़ के। अगर कुछ लूज होगी तो खुल जाएगी, नहीं तो काफ़ी दिन की हुई रहेगी तो इससे भी ये नहीं खुलेगी दोस्त। तो इसके लिए आपको इस पाना के प्रयोग करना चाहिए, इस चाबी की। देखिए ये कपलर चाबी है, कपलर खोलने के लिए ही आता है दोस्तों। ये जो खांचे कट का निशान रहते हैं, ये जाकर कपलर में ऐसे बैठ जाते हैं। जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ, हाथ से खुल नहीं रही है। देखिए दोस्तों ये ऐसे बैठेगी, और जैसे इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, देखिए बिल्कुल खुल जाएगी ये आसानी के साथ। ताकत लगती है दोस्तों इससे, वहाँ पे डायरेक्ट ताकत लगती है, उंगली से पकड़ के ताकत नहीं लगती है। इसीलिए इसी से इसको घुमा दिया जाए, फिर उंगली से आसानी के साथ ये खुल जाएगी। तो दोस्तों इसमें वाशर रहते हैं, इस वाशर को आराम से निकाल लेना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको अलग कर दिया, ये दोनों अलग हो गए। अब ये दोनों कपलर दोस्तों घिस गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों कपलर को नया चेंज करना पड़ता है दोस्तों। तो मेरे पास ये नया कपलर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दो कपलर मैं दोनों सेट के लिए, इन दोनों के लिए मैं रखा हूँ। इसी साइज़ का, सेम साइज़ का कपलर लगते हैं इसमें दोनों में। कोई भी कपलर ख़राब हो, सेम साइज़ के मार्केट में मिल जाते हैं दोस्तों। ये बड़ी वाली कपलर तकरीबन 50 रुपये की आती है, और ये छोटी वाली कपलर तकरीबन 20 रुपये की आती है।
तो दोस्तों सबसे पहले ये बड़ी वाली कपलर को मैं फिट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ वासरे लगी हुई है। हम लोग का मेन मकसद है कि कपलर, ये मिक्सर वाला कपलर थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहे और जार वाला कपलर थोड़ा सा नीचे की तरफ रहे दोस्तों, क्योंकि बढ़िया से ये पकड़ेगी तो आसानी के साथ चलेगी और बिल्कुल कटेगी नहीं। इस हिसाब से अगर पकड़ के चलेगी तो दोनों नहीं घिसेगी और थोड़ा सा पकड़ेगी, और मिक्सर स्पीड में चलती है जैसे चलेगी ऐसे, तो थोड़ा सा पकड़े रहेगी तो तुरंत घिस जाएगी ऐसे। देखिए दोस्तों स्लिप कर जाएगी और घिस जाएगी, इसीलिए इसका पकड़ में पूरी तरह होना चाहिए इस टाइप का। तो दोस्तों इस कपलर को ऊपर करने के लिए इसमें ये वाशर लगे हुए हैं पहले से, तो इसमें दो तीन वाशर और डाल देना चाहिए ताकि और ऊपर हो जाए, ताकि उसमें बढ़िया से पकड़ ले। देखिए दोस्तों ये वाशर सेम उसी टाइप का है, मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ाने के लिए मैं इसको डाल रहा हूँ दोस्तों। इसको मैं डाल दिया, अब इस कपलर को मैं यहाँ लगाऊंगा। देखिए ऐसे ही लगाकर इस कपलर को पुश कर दीजिए। ये कपलर बिल्कुल लग के तैयार हो गई। अब इस कपलर पे ये वाली स्क्रू से इसको फुल टाइट कर देना चाहिए दोस्तों, जैसे मैंने कर दिया फुल टाइट। ये बिल्कुल ओके हो गई। अब आई जार की बारी। इस जार का जो कपलर है इसका उद्देश्य ये है कि इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रखें ऐसे। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि ये जार की ब्लेड के नीचे कितनी वाशर लगी हुई हैं। जितना कम से कम वाशर लग जाए जब ही ये जाकर नीचे जाएगी। तो इसमें लगी है पहले से 3-4 वाशर लगी हुई है पहले से। अब इसमें हम एक वाशर रख के और इसको यहाँ लगाएंगे कि एक वाशर सिंगल से कैसे ये चल रही है। देखिए मैं एक वाशर लगाया हूँ, उसमें एक वाशर से बिल्कुल सही चल रही है, टच नहीं कर रही है। बस टच नहीं करना चाहिए नीचे, जो स्टील की बर्तन है उसमें इसको टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल टच नहीं कर रही है। एक वाशर यहाँ लगाएंगे, बाकी जितने वाशर है सब नीचे डाल देंगे, तभी इसकी हाइट नीचे की तरफ बढ़ेगी। दोस्तों ये कपलर लग के बिल्कुल तैयार हो गई। इसी प्रकार आप अपने मिक्सर में कपलर लगा सकते हैं, यही तरीका है कपलर लगाने का दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ सेट करके देख रहा हूँ कि ये ब्लेड घूम रहे है कि नहीं। दोस्तों मैं इसको अब ऑन कर रहा हूँ। दोस्तों अब देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये ब्लेड घूम रही है, अब बिल्कुल ग्राइंड करेगी, कोई भी चीज़ में डालने पर बिल्कुल ग्राइंड करेगी। और दोस्तों एक बार और ध्यान दीजिए कि अगर आपको मिक्सर के ये कपलर सेट करने के बाद से अगर जाम चल रही हो, बिल्कुल फ्री ना चल रही हो, तो इसमें जो वाशर लगे हुए हैं जो मैं लगाया हूँ उस वाशर को आप कम कर सकते हैं, और ज़्यादा प्ले हो तो उस वाशर को आप बढ़ा सकते हैं। मतलब वो थोड़ी सी प्ले होने चाहिए ताकि आसानी के साथ ये घूम जाए। इस पोजिशन में उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मिक्सर का कपलर चेंज कर सकते हैं अगर आपका ब्लेड ऊपर वाली नहीं घूम रही हो और मिक्सर घूम रही हो तो। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ब्लेड घूमती ही रहती है फिर भी ग्राइंड नहीं करती है, पीसती नहीं है कोई चीज़, तो इस हाल में इस ब्लेड को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लेड का धार जो होता है वो घिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, इस कारण वो किसी भी चीज़ को काट नहीं पाती है। इस पोजीशन में ब्लेड को बदल लेना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।